देखिए गुजिया हमारी बन चुकी है सारी। देखिए अभी इनको मैं सिला भी दिया था, मतलब इनको रेस्ट कराना होता था वो भी करा दिया था। अभी हो गया रेडी, तो हम इनको फ्राई करेंगे। ऑयल लग दिया मैंने कढ़ाई में, तो पता नहीं सॉफ्ट बनी है गुजिया, देखिए खाने में भी बहुत टेस्टी है। माई टू फैमिली, तो वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो गाइज आप सभी लोग कैसे हैं? आप सब मस्त होंगे, हैप्पी होंगे। तो गाइज होली आने वाली है और होली की बहुत सारी तैयारियाँ अब स्टार्ट हो गई हैं। तो देखिए आज हमारे यहाँ पर क्या क्या बनेगा मैं आपको ब्लॉग में दिखाऊंगी। और मेरी छोटी वाली सिस्टर है वो चली गई मायके, और मैं और मम्मी काम करेंगे फिर दोनों मिलकर। तो आज बना रही हूँ मैं जो मुमडन लोग कहते हैं ना कुंडे, तो हमारे यहाँ तो मीठी मटरी कहते हैं उन्हें, वो मेरे को हमारे घर में बहुत अच्छी लगती हैं सबको। तो मैं उन्हें बनाऊंगी और गुजिया बनाऊंगी, तो बने रहिए ब्लॉग में, आपको दिखाती हूँ क्या क्या बनाऊंगी। तो गाइज मैंने ले लिए 3 कटोरी मैदा छानकर, एक कटोरी सूजी है इसको भी छान लेती हूँ मैं अच्छे से, क्योंकि सूजी और मैदा दोनों चीज़ में डालते हैं हम। तो गाइज देखिए अच्छे से ये भी छन गई है, हम इसमें गोला डाल देती हूँ। गोला मैंने कस कर रख लिया था बारीक कटा हुआ गोला। तो ये चीनी है पिसी हुई चीनी, एक कटोरी 1.5 कटोरी डालूंगी, क्योंकि हम लोग मीठा थोड़ा ज़्यादा खाते हैं और वैसे भी ये मैदा सूजी ज़्यादा है, तो 1.5 कटोरी ज़्यादा नहीं होगी इसमें, मतलब ठीक होगी। और जब तक ये मीठी नहीं होती है तो इनमें टेस्ट नहीं आता है, क्योंकि हम जब मीठी कोई चीज़ बनाते हैं तो मीठी होगी अच्छे से तभी टेस्ट आएगा। और हमारे यहाँ पर तो हमारे घर में तो सब लोग मीठी चीज़ ज़्यादा खा लेते हैं, मतलब सही मीठा खा लेते हैं, ये नहीं कि कम कोई मीठा नहीं खाता। तो पिसी हुई चीनी इसमें डाल दी, क्योंकि चीनी ना इसमें पीस के डालनी पड़ती है, मोटी मोटी डालेंगे तो अजीब सी आवाज़ कटर कटर करेगी, तो पीस के मतलब टेस्ट भी आएगा, पता भी नहीं पड़ेगा। इसमें चीनी डाल लिए और मैंने मखाने हैं वो भी मिक्सर में पीस लिए थे, पीस के डालेंगे ना तो अच्छा टेस्ट आएगा, साबुत तो कुछ डल नहीं पाएगी। तो गाइस मैं ना उसकी वीडियो डालना बनाना भूल गई थी, जो मैंने इसमें वो डाला था रिफाइंड या देसी घी कुछ भी डाल सकते हैं, और इसको दूध में मार सकते हैं। इस तरह से मैंने पूड़ी बना ली है मैदा की, और ग्लास की हेल्प से मैं इसके गोल गोल मतलब से जल्दी बन जाते हैं ये होता है, और एक एक करके इन्हें बेलना नहीं पड़ता है और एक साइज के बन जाते हैं। देखिए ये बन गए हैं ऐसे, और ये मैंने बना के रख लिए हैं और ये इसमें हो रहा है। देखिए अभी कितना अच्छा इनमें कलर आ रहा है। तो गाइस देखिए मीठी मटरी पूरी रेडी हो चुकी है, और हम इनको स्टोर करके भी रख सकते हैं, कितनी अच्छी बनी है देखिए, क्रिस्पी भी है बहुत। देखिए रोटी का काम तो हो गया, अब खाने पीने की तैयारी करेंगे, क्योंकि सबको खाना भी खाना है घर में, मम्मी खाएंगे और खाना पीना खिला के फिर बनाएंगे मैं और मेरी मम्मी भुजिया। तो बनी रही ब्लॉग में, चैनल से नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक। सब लोग खा लेते हैं जैसे अच्छी भी लगती है, तो हम और तो उसमें डालते हैं ओनली ये रिफाइंड और दूध डालते हैं, इन दोनों को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, मतलब जितनी हमारी अच्छी से मैदा गूंदेगी उतना ही हमारी अच्छी भुजिया बनेगी, और जितनी अच्छी ये मैदा होगी उतनी अच्छी हमारी भुजिया बनेगी, टेस्ट आएगा। गाइस मैदा हो गई है रेडी, अब इसे सेट करने के लिए 15-20 मिनट के लिए रख देती हूँ। तो गाइस हम बना रही हैं हम स्टफिंग जो मतलब भुजिया में भरते हैं, तो 1 किलो मावा ले लिया है हमने, और ये मैंने मखाने इसमें मिक्सर में थोड़े पीस लिए हैं, और ये हैं गोला और चिरौंजी और मिंगी कहाँ गई मम्मी? इसी में मिंगी डाल दी है मम्मी ने, देखा। और ये बूरे को मम्मी छाननी है, क्योंकि ये गांठ रह जाएंगी ना इसमें तो अच्छी नहीं बनेगा उससे, तो ये सब तैयारी मम्मी कर रही है, मैंने वगैरह मार दिया, अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगी सब चीज़ों को। देखिए एज मम्मी और मैं गुजिया बनाने लग गए हैं, और ये बन गई है हमारी गुजिया, देखिए छोटी छोटी। अब इनको कराएंगे रेस्ट, ये सोएंगी, इनको सिलाएंगे बेड पर, देखिए यहाँ पर बिस्तर बिछा दिए हमने। देखिए गुजिया हमारी बन चुकी है सारी, देखिए अब इनको मैं सिला भी दिया था, मतलब इनको रेस्ट कराना होता था वो भी करा दिया था। अभी हो गया रेडी,
तो हमको फ्राई करेंगे। ऑयल लग दिया मैंने कढ़ाई में, तो बताना कैसी लगी हमारी गुजिया कमेंट में। तो गाइस ये गुजिया मैंने पहले गाय माता की डाल दी है, क्योंकि मेरी सासू माँ वो बोलती हैं कि कोई भी चीज़ बनाओ तो पहले गाय माता के लिए निकालो। तो मैं हम पहले उन्हीं के लिए निकालते हैं अपने घर में, खाना हो डेली का या कुछ भी हो। तो वो एक बात भी और बता दी है, मतलब ये गुजिया निकाल के चारों तरफ घुमानी पड़ती है कढ़ाई से, ऐसे करके फिर निकालते हैं। फिर थोड़ी हम ये चूल्हे में थोड़ी ऐसे करके नीचे भी निकाल देते हैं। अब ये सारी मतलब स्टार्ट कर देती हूँ हल्की शुरुआत से सारी। देखिए गाइस बन गई हमारी गुजिया, देखिए कितनी सारी गुजिया बन गई हमारी। और ये थोड़ी सी कचरी है, ये तलनी है अपने बेटे के लिए, वो खा लेता है ना, सॉफ्ट होती है इसलिए। तो मैंने बताना हमारी गुजिया आपको कैसी लगी और ब्लॉग कैसा लगा। तो चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट।